नमस्कार। प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये तृतीय यूनिट में है। तो राजनीतिक दलों की मैंने आपको यहाँ पर सबके जो हैं ध्वज दिखाए हैं, उनके जो चुनाव चिन्ह हैं वो दिखाए हैं। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं राजनीतिक दल का अर्थ और परिभाषा। साधारण शब्दों में राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो संपूर्ण देश और समाज के व्यापक हित के संदर्भ में अपने सेवार्थियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रम का समर्थन करता है। उन्हें क्रियान्वित करने के उद्देश्य से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। यानी राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जिसमें संपूर्ण देश और समाज के हितों को लेकर वो चलते हैं। इनके कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नीतियाँ होती हैं, कुछ कार्यक्रम होते हैं जिनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यहाँ राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है सरकार में आने का। फिर है राजनीतिक दल को अनेक विद्वानों ने इसके अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें मसलदान के अनुसार राजनीतिक दल उस स्वैच्छिक समूह को कहते हैं जो सामान्य राजनीतिक सामाजिक सिद्धांतों के आधार पर तथा कुछ सामान्य लक्ष्यों आदेशों की प्रति के लिए शासन चलाने का प्रयत्न करता है तथा अपने सदस्यों को सत्तारूढ़ करने की चेष्टा करता है और उसके लिए चुनाव एवं अन्य साधनों का प्रयोग करता है। यानी राजनीतिक दल एक ऐसा स्वैच्छिक समूह है जो अपने सामान्य राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांतों के आधार पर कुछ सामान्य लक्ष्यों और आदेशों को चलाने के लिए प्रयत्न करता है और अपने सदस्यों को सत्तारूढ़ करने की चेष्टा करता है और उसके लिए चुनाव व अन्य साधनों का प्रयोग भी करता है। फेडरिक के अनुसार एक राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह है जो अपने नेताओं के लिए शासकीय नियंत्रण प्राप्त करने अथवा उसे बनाए रखने के उद्देश्य से स्थायी रूप से संगठित होते हैं और आगे अनुशासित रहकर लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी नेताओं के लिए शासकीय नियंत्रण प्राप्त करने और उसको बनाए रखने के उद्देश्य से ये एक संगठित प्रयास है। वर्ग के अनुसार राजनीतिक दल मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जो कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर जिनमें वे सहमत हैं अपने सामूहिक प्रयत्नों से राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने के लिए एकता में बद्ध होते हैं। यानी कुछ दल का अनुशासन होता है जिसके कारण वे लोग अपने कुछ निश्चित सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए उसका प्रयास करते हैं। फिर हम आते हैं इसकी विशेषताओं पर। तो विशेषताओं में तो विशिष्ट सिद्धांतों के आधार पर संगठित व्यक्तियों का समूह है। सबसे पहली विशेषता तो यही है कि किसी विशिष्ट सिद्धांत के आधार पर संगठित व्यक्तियों का समूह है। राजनीतिक दल बहुत सारे व्यक्तियों का स्थायी संगठन है। राजनीतिक दल अपने सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाज के व्यापक हित को बढ़ावा देना चाहते हैं। राजनीतिक दल के सदस्यों में सामान्य लक्ष्यों और सिद्धांतों पर आम सहमति पाई जाती है और राजनीतिक दल का कार्यक्रम स्पष्ट होता है। राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनावों में भाग लेता है। राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तथा संविधान और कई बार असंवैधानिक साधन भी अपनाता है। राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता को प्राप्ति अपने सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देना शुरू करता है। यानी दल जिस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ता है उस कार्यक्रम को लागू करना वो शुरू करता है जब वह सत्ता में आ जाता है। फिर हम इसकी भूमिका पर आते हैं, भूमिका और कार्य। इसमें रॉबर्ट बी बॉन के अनुसार राजनीतिक दल लोकतांत्रिक देशों में संगठन मांगों में संशोधन, नेताओं की भर्ती, सत्ता का वैधीकरण, नीति का निर्माण, शासन उत्तरदायित्व तथा आधुनिकीकरण जैसे कार्यों को पूरा करते हैं। जो पालम्बरा ने भी नेताओं की भर्ती, सामाजिकरण, सरकार बनाना, संगठन, सौदेबाजी तथा एकीकरण को राजनीतिक दलों का कार्य बताया है। पीटर एच मर्कल ने भी लगभग वही कार्य गिनाए हैं जो रॉबर्ट सी बॉन्ड तथा पालम्बर ने बताए हैं। इस प्रकार से जनमत को संगठित करना, जनमत को शिक्षित करना, जनता को सरकार से जोड़ना, नेतृत्व को चुनना, ये सभी दायित्व राजनीतिक दलों के बताए गए हैं।
इन सब बातों में हमें एक बात देखने को मिलती है कि राजनीतिक दल कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहली जो बात है वो है जनमत तैयार करना। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों ही जनमत का निर्माण करते हैं। साधारण जनता को तो देश की समस्याओं का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, जिसका कारण उन समस्याओं के बारे में ठीक प्रकार से सोच नहीं सकते। तो राजनीतिक दल संगठित होकर मजबूत जनमत का निर्माण करता है। इस प्रकार जनमत के निर्माण में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब राजनीतिक दल किस प्रकार से कार्य करेंगे, जनमत का किस प्रकार से निर्माण करेंगे, जनमत को कैसे तैयार करेंगे, ये राजनीतिक दलों की भूमिका है। दूसरा, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। प्रजातंत्र में राजनीतिक दल लोगों में राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए वे जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। सभाओं, अधिवेशनों, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से वे जनता को देश की समस्याओं की जानकारी देते रहते हैं और अपने पक्ष में जनता को लाने के लिए जोरदार अभियान चलाते हैं। चुनावों के समय में वे अपना घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच जाते हैं। इससे जनता को राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है और राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जनता राजनीतिक दल में शिक्षित हो जाती है। तो दूसरा काम जो राजनीतिक दल करते हैं वो है जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। सभाओं और अधिवेशनों, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता को ये जानकारियाँ प्रदान करते हैं जिससे वो राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित हो चुके। फिर है सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व। साधारण जनता को देश की समस्याओं का अधिक ज्ञान नहीं होता है, वह जटिल राजनीतिक समस्याओं को समझने में असमर्थ होती है। राजनीतिक दल उन समस्याओं का सरलीकरण करके जनता के सामने पेश करते हैं और वाद विवाद, जनसभाओं, समाचार पत्रों आदि के द्वारा समस्याओं के बारे में जनता को परिचित करवाते हैं। इस कारण राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल भी कहा जाता है। इस प्रकार से सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व राजनीतिक दल ही करते हैं। इससे आम जनता सरकार की नीतियों के संबंध में बनाई गई योजनाओं में भागीदारी बन जाती है, नीति पर जन स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है और अंत में राजनीतिक दल ही जन स्वीकृति प्राप्त करके नीति निर्माण का भागीदारी बन जाते हैं। इस प्रकार सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व करना, ये दायित्व जो है वो राजनीतिक दलों का ही होता है कि किस प्रकार से सार्वजनिक नीतियाँ लागू होंगी। तो आज हम ये 3 पॉइंट से देखेंगे। इसमें हमने ये देखा कि राजनीतिक दल हैं क्या, इनकी परिभाषाएं क्या हैं और प्रजातंत्र में इनकी भूमिका क्या है।